नहीं, बिल्कुल सुबह से ही दिल थोड़ा सा उदास तो था, क्योंकि इस दिन को याद करते हुए और हमारे 2 साल पहले सरस्वती पूजा के दिन ही हम हमारे माँ सरस्वती जो साक्षात हम लता जी को मानते हैं उनका निधन हुआ था। लेकिन ऑफकोर्स हम सब यही मानते हैं कि कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी, हमारे बाद भी ये आवाज़ें हमेशा रहेंगी। और इन सारी आवाज़ों में सबसे स्वर्ण अक्षरों में अगर कोई आवाज़ है तो वो लता जी की है। एंड शी इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन एंड शी इज़ द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। अगर भारत की आवाज़ हो तो लता जी ही है। जी बिल्कुल, सिंगर्स के राइट्स के लिए लता जी ने सबसे पहले अभियान उन्होंने ही सबसे पहला कदम उन्होंने ही उठाया था और बहुत साल पहले की बात हो रही। लेकिन अब जाकर फाइनली इसरा से इसामरा बनकर अब हम सिंगर्स म्यूजिशंस सारे संगीत से जुड़े लोग एक साथ जुड़े हैं। और यू नो इस आई एम श्योर लता जी वुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस मोमेंट एंड दिस डे एंड सब कुछ ही उनके ही आशीर्वाद के वजह से ही हो पाया है। उन्होंने वो पहला कदम रखा था तो आज जाकर हम यहाँ तक पहुँच पाए। वैसे मेरे पिताजी लता जी के बहुत करीब थे। मेरे पिताजी मेरी माता जी भी लता जी को काफ़ी दिन उनके घर पे बंगाली सिखाने जाती थी और पिताजी के लिए लता जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं। उनके स्टूडियो में एलएम स्टूडियो में मेरे पिताजी का सारे बड़े बड़े दिग्गज कंपोजर्स के साथ मेरे पिताजी की मानस मुखर्जी जी उनका भी तस्वीर। तो बचपन में हम कई बार डैडी के साथ प्रभुगंज लता जी से मिलने गए थे और जब भी मिलती थी मुझे कोई ना कोई किस्सा बताती थी। हम तो बहुत छोटे थे लेकिन पिताजी के साथ कोई घटना कोई घटी होगी तो बताती थी पता है ऐसा हुआ था। और मानस ने एक मुझे स्टोरी बताई थी कि पिताजी कहीं शो करने गए थे और वो आकर लता जी को बताने लगे कि मैं गा रहा हूँ अजीब सी आवाज़ आ रही है कर 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 कर। मैं बोला क्या, नीचे देखे कोई स्टेज काट रहे थे, कोई मस्ती चल रही थी। तो ऐसी ऐसी बातें भी बोले देखो ऐसे ऐसे भी दिन गुजारे हैं तुम्हारे पिताजी ने जो मुझे उन्होंने बताया। तो ऑफकोर्स बचपन से ही उनका बहुत साथ और वक्त मिला। मैंने एक गाना उनके साथ भी गाया था महेश पाई जी के म्यूज़िक में लेकिन वो फिल्म किसी कारणवश रिलीज़ नहीं हो पाई और वो गाना बस अनरिलीज्ड रह गया है। लेकिन आई डेफिनेटली वांट महेश जी टू शेयर दैट सॉन्ग एट सम पॉइंट बिकॉज़ दैट वाज अपेरेंटली हर लास्ट डब्ड सॉन्ग। बहुत सारी तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, ओ, 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 ओ तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना।